नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रहीमजादे की पार्टी के दौरान कुछ युवक गाड़ी से सायरन बजा रहे हैं तो वहीं आतिशबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया और हुड़दंग करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बर्थडे पार्टी के दौरान हुड़दंग मचाया गया है। रुड़की के बिगड़ैल रहीस जाते हैं जो इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। कुछ युवक गाड़ी से सायरन बजा रहे हैं तो कहीं आतिशबाजी की जा रही है। पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है, पहचान कर ली गई है और जल्दी इन पे कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है और जो भी कानूनी कार्रवाई हमारी कानूनी रूप से संभव होगी वो इस पे की जाएगी। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार के एस पवार की पत्नी की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए ये मामला विधानसभा सत्र के दौरान उठा था, तो वहीं आरबीआई ने इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने की बात कही थी। इसके साथ ही त्रिवेंद्र रावत के एस पवार का बचाव करते हुए भी नजर आए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनके औद्योगिक सलाहकार की वजह से उनका काम घसीटा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हम आपस में बातचीत कर लेंगे, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ संवाद है, हम आपस में बातचीत कर लेंगे, निपटा लेंगे अगर हमारे बीच में कुछ है भी तो, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप देखते हैं, दो बार ऑलरेडी उनके खिलाफ जांच हो चुकी है, सदन में ये मामला उठ चुका है, उसके बावजूद फिर से मामला है। अब लोग शिकायत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उसमें जांच बिठा रहे हैं, जांच में सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। इसमें बिना प्रशासन की मदद के, बिना उसके तो ये हो ही नहीं सकता था। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हाउस में विषय उठाया गया तो गलत आंकड़ों के तहत और चीज़ों को बहुत हल्का फुल्का करके रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इसकी सही तरीके से जांच हो तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं और संभावना ये भी है कि किसका वाइट किया गया काला धन, वो भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। यूके ट्रिपल सी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए गिरफ्तारी की है, जिस वजह से आरोपियों को बड़ी आसानी से बेल मिल गई। इसी समय सीमा के अवधि में दो वहीं कांग्रेस माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के दौरान जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसे यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच रखा जाएगा। हालांकि भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रही है। तो जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसी को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और बहुत बड़ी संख्या में, बहुतायत में हमारे गांव से लोग फौज में हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी पर, हमारे गांव की व्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है, उसको हम इशू बना रहे हैं। और उसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी है और जो भर्ती घोटाला हुआ है वो है, और विधानसभा में नैतिकता के बल पर जो नेताओं से हम माफ़ी चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ, वो भी हमारा इशू रहेगा। अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के लोगों को माना ध्यान आया, और जहाँ तक उनका भारत जोड़ो यात्रा का विषय है तो राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, अब उत्तराखंड से प्रारंभ करें तो हम स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने भारत को तोड़ा हो उनको भारत जोड़ने का जो नारा लेकर जो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की स्थिति में है। वहीं रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसएसपी से मुलाकात की। सितारगंज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे नवतेज पाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह सहित कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। उनके पास कुछ लोग चल के आते हैं चुनाव से पहले कि हमारी पंचायत दिखा दो, उसमें वहाँ के पालिका अध्यक्ष भी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, व्यापार मंडल के भी लोग हैं, जो सब चल के जाते हैं, वो पंचायत निपट जाती है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पता लगता है कि नवतेज पाल जी के खिलाफ भी मुकदमा हो गया है, तो हम कप्तान साहब से मिलने इसीलिए आए हैं कि इस ज़िले में दूसरा वाकया है। अब से महीना पहले गणेश उपाध्याय जी एक बीपीएल कार्ड होल्डर को लेकर गए थे, उसका बिल बिजली का 10,000 रुपये से ऊपर का आया,
वहाँ SDO साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया पीछे से। उनका ये कहना था कि बीते दिनों सितारगंज में एक FIR हुई है, उस पर जो है निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए करके। मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि हमेशा पुलिस का काम हमेशा निष्पक्ष ही होता है, पर उनकी कुछ क्लैरिफिकेशंस थी, हमने क्लैरिफिकेशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। जांच के उपरांत एक FIR हुई है, उस FIR में वो चाह रहे थे कि गहनता से वो उसका पर्यवेक्षण हो जाए। वो गहनता से पर्यवेक्षण तो हमेशा होता ही है, इस चीज़ को हमने अवगत करा दिया है। वहीं टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी अपने संसदीय क्षेत्र में नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस और आप नेताओं का कहना है कि सांसद महोदया कहीं लापता हो गई हैं। कांग्रेस का कहना है माला राज्यलक्ष्मी शाह कई बार टिहरी से सांसद रही हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र में उनके नाम कोई उपलब्धि नहीं है। सांसद के प्रतिनिधि है माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, चुनाव जीतने के बाद कभी दोबारा वो इस क्षेत्र में अपने दर्शन नहीं देते हैं, लोगों की पीड़ा में नहीं रहते हैं, लोगों के सुख दुख में कभी शामिल नहीं होते हैं। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरह का काम करें कि चुनाव जीतने के बाद वो सीधा लापता हो जाए, गोल हो जाए और दोबारा कहीं क्षेत्र की खैर में एकदम तक न पहुंचे, ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी का अस्तित्व भारत देश से और उत्तराखंड से समाप्ति पे है, इसलिए उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। महारानी जी लगातार टिहरी संसदीय क्षेत्र की बातों को अपने संसद में उठाती रहती हैं। वही राजा जी टाइगर रिजर्व की जमीन पर दुकान बनाकर किराए पर देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 3 नए नाम शामिल किए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित 3 लोगों के नाम मुकदमे बढ़ा दिए गए हैं। बीते 21 अगस्त को देहरादून निवासी शशि ठाकुर की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी और द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पहले बिंदु गिरी जी, द्वारिका मिश्रा और सुरेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और अभी जो बयान दर्ज हुए हैं उसके अनुसार जो है 3 नाम उसमें और बढ़ाए गए हैं, जिसमें महंत रविंद्रपुरी, अनिल शर्मा और राजगिरी का नाम आया है, जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई के बाद इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने सुना कि आज अखबारों में निकला हुआ है, मुझे लोगों ने कहा महाराज बहुत बड़े बड़े हेडिंग आपके निकले, मैंने अखबार पढ़ा ही नहीं, क्या निकला है क्या नहीं निकला है, इसलिए भी जो अब जाँच होगी जाँच में सब कुछ सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नैनीताल से खबर, जहां राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की याचिका, नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में पेश करें। 27 मार्च को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो ये नैनीताल से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में पेश करें। वहीं केदारनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर महापंथ में फंसे पर्यटक के शव को बरामद कर लिया गया है। वायुसेना, SDRF और DDRF ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। महापंत इलाके में सर्च टीमें उस युवक की खोजबीन कर रही हैं जो उस बर्फीले इलाके में ट्रैकिंग पर आया था। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार युवक का सुराग लग गया, मगर बर्फ में दब जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया है। महापंत फॉल में एक्सीडेंट में गुजरे एक ट्रैकर के बॉडी को रिकवर करने आए थे, आप देख सकते हैं। इस इलाके में खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में परेशानी खड़ा कर रहा था, इसलिए सर्च ऑपरेशन में वायुसेना, SDRF और DDRF को भी शामिल किया गया था। 2 अक्टूबर को 10 सदस्यीय पर्यटकों का दल रांची मनड़ा केदारनाथ ट्रैक से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान मौसम खराब होने पर 2 युवकों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें से एक युवक को तो रेस्क्यू कर लिया गया मगर इस युवक की जान नहीं बच पाई। खराब मौसम की वजह से उस समय शव की खोजबीन नहीं हो पाई थी। मौसम साफ होने पर फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया और बर्फ में दबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्फबारी का मौसम आ गया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने लगी है। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है।
मौसम बदलने के साथ ही उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने लगी। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें ऐसी लग रही हैं मानो सर्दी का मौसम आ गया हो। इस इलाके में वैसे तो आम दिनों में भी तापमान काफी कम रहता है, मगर इस बर्फबारी की वजह से पारा काफी गिर गया है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ये बर्फबारी जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गई है। बर्फबारी की वजह से जानवर भी बेहाल नजर आ रहे हैं। जंगल में जमी घास के ऊपर भी बर्फ जम गई है, जिस वजह से जानवरों के सामने चारे की परेशानी होने लगी है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। वहीं जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदला है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान वंशी नारायण में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से यहां ठंड काफी बढ़ गई है। और अब हम यहां पर देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में किस तरीके से बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बीच जो सैलानी होंगे उनको कितनी मुश्किल उठानी पड़ी होगी। जोशीमठ से ये तस्वीरें सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण की मांग को लेकर महिलाओं ने सचिवालय कूच किया। महिलाओं के आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में 30% क्षतिज आरक्षण की पैरवी सही ढंग से नहीं की, जिस वजह से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड में 4 नवंबर को इगास पर्व मनाया जाएगा। शासन की तरफ से इगास पर्व पर सरकारी छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर सरकारी छुट्टी का आदेश जारी किया था, जिसके बाद शासन स्तर से इगास पर छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं मसूरी में इगास पर्व को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की गई है, जिसमें ढोल दमाऊं के साथ ही भैलो भी खेला जाएगा। साथ ही एसडीएम ने सभी लोगों से कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में आने का आह्वान भी किया। गुजरात में झूला पुल के टूटने के बाद उत्तराखंड भी ऐसे पुलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उत्तराखंड में भी उठ रहे हैं। जोशीमठ में भी ऐसे कई पुल हैं जो जर्जर हालत में हैं, मगर फिर भी उनसे आवाजाही हो रही है। नीति घाटी के भला गांव पैदल पुल की स्थिति काफी खराब है। बताया जा रहा है कि ये पुल पिछले 40 साल से जर्जर स्थिति में है, मगर फिर भी इसे बंद नहीं किया गया। ऐसे में इस बात की आशंका हर पल रहती है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वहीं गुजरात में पुल गिरने की घटना के बाद उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग भी सतर्क हो गया है। सभी चीफ इंजीनियर से प्रदेश में पुल और बेली ब्रिज की रिपोर्ट तलब की गई है। तो जिस तरीके से गुजरात में हादसा हुआ, उसके बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट है और इस तरीके के पुल जहां भी है उनकी जांच की जा रही है। चीफ इंजीनियर से खास एक रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े 10-10 प्रस्ताव मांगे थे, मगर अभी तक ज्यादातर विधायकों ने सीएम कार्यालय को प्रस्ताव नहीं भेजे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विधायक अपने क्षेत्र के विकास के प्रति कितने चिंतित हैं। अपने प्रस्ताव स्वयं मुख्यमंत्री जी को मिलकर दे चुका हूँ और एक कॉपी मैंने डीएम को दी है और जो अभी लेटर मेरे सामने रखा है शिक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का आया है, वो भी मांग रहे हैं। मैं उन्हें भी एक कॉपी भिजवा दूंगा, देखते हैं जितनी तत्परता से ये 10 प्रस्ताव मांगे गए हैं काम कितनी तत्परता से होता है, क्योंकि काम की स्पीड फिलहाल बहुत लो है। कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार मुझे नहीं लगता है। मैंने भी उनको 10 योजनाएं दे चुका हूं पहले और उसमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि मैं उनके मांगने से पहले ही उनको दे चुका था और जो पौड़ी के लिए एक विकास जब अगर वो योजनाएं हो जाएंगी तो
विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन प्रस्तावों में मुख्य रूप से हमने जो पहला प्रस्ताव वो दिया है खटीमा नगर पालिका के अंदर जल भराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण, दूसरा खटीमा क्षेत्र में गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण, तीसरा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अम्बेडकर हॉस्टल, चौथा खटीमा क्षेत्र में लाइब्रेरी। वही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक देहरादून दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रतिमा भौमिक ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें कई जरूरी विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रतिमा भौमिक ने धामी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा समाज को आगे ले जाने के लिए, महिला को आगे ले जाने के लिए जो काम करते उसको भी सम्मानित किया है। उसके बाद हम लोगों ने अपना विभाग का रिव्यू मीटिंग में हमारा मंत्री जी थे, ऑफिसर लोगों के साथ हम लोगों ने किया है। उत्तराखंड में बहुत अच्छा, लगभग 80,000 हमारा दिव्यांग लोगों को यहाँ पे पेंशन का देते हैं, पेंशन देते हैं जो अच्छा संख्या में है। और हम लोग जो दिव्यांग लोगों को हम लोगों ने एक UDID कार्ड जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 में उसको जारी किया है। यूनिक आईडी कार्ड पूरा भारत के लिए एक ही कार्ड होगा। उत्तराखंड बहुत अच्छा किया है, 58% अभी तक उन लोगों ने कर दिया है, अच्छा प्रगति है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे के दौरान सड़क का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने अल्टीमेटम के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। नहर कवरिंग का काम जिसका शिलान्यास 2016 में हुआ था उस पर मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद अब 6 साल बाद काम शुरू हो गया है। ये काम पहले PWD को दिया गया था जिसमें देरी होने के चलते अब सिंचाई विभाग को दिया गया है। गुजरात में पुल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार गंगा घाट पर दीपदान किया गया। इस दौरान मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। देखिए साधु संत समाज जो कि हरिद्वार में दीपदान कर रहा है, जिन लोगों की जान चली गई इस हादसे में, संख्या करीब 140 है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में दीपदान किया गया है। देखिए तस्वीरें जो हरिद्वार से आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मोरबी में जिस तरीके से हादसा हुआ, पुल गिरने की वजह से 140 लोगों की जान चली गई, उसके बाद जो मारे गए लोग हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में खास पूजा की गई, दीपदान किया गया, उसी दौरान की तस्वीरें हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।